Guys, welcome back. And today is class 5 and we're going to talk about the cut of the diamond. And जो लोग पहली बारी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब फ्री बेसिक डायमंड कोर्स. सो क्लास 1 से एक बारी 11 तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. बाकी आज की क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसी कोई बात नहीं है. तो कट के बारे में बात करें, डायमंड की कट क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कैसे हम लोग कट का आइडिया ले सकते हैं. आइडिया कह सकता हूँ कि प्रॉपर कट क्लास ऐसे ऑनलाइन नहीं हो सकती. अगर तैरना ऑनलाइन आ जाए तो स्विमिंग पूल में कौन कूदेगा, क्यों, एम आई राइट? चलो ओके, लेट्स से कि कट इम्पोर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज, कट इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली क्या है, जो डायमंड है, डायमंड एक बल्ब की तरह नहीं है कि बटन ऑन करा लाइट आने लग गई. डायमंड पे जब लाइट पड़ती है तो वही लाइट उसके अंदर जाके रिफ्लेक्ट करके वापस आती है तो हमारे को डायमंड चमकता हुआ दिखता है. मान लो वो लाइट डायमंड में जाए तो सही और वापस ना आए तो आपको हीरे में कालापन दिखने लग जाएगा. ऐसा क्यों होता है? जब डायमंड का कट खराब होता है तो लाइट क्या होता है, पवेलियन से ही लीक कर जाती है. और जब वो पवेलियन से ही लीक कर जाती है और वापस रिफ्लेक्ट करके क्राउन या टेबल की तरफ नहीं आती, तब कट ग्रेड नीचे का हो जाता है. जैसे गुड, फेयर, पुअर. गुड में थोड़ी थोड़ी लीक करती है, फेयर में थोड़ी ज्यादा लीक करती है, पुअर में बहुत ज्यादा लीक करती है. वेरी गुड तक चीज अच्छी लगती है, एक्सीलेंट ऑफ कोर्स एक्सीलेंट है. तो कट ग्रेड्स हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर. इसकी कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ, उससे एक आइडिया हो जाएगा. तो जो फर्स्ट इमेज है उसमें मेरा कर्सर मूव करा, दिस इज एन एक्सीलेंट कट. ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड कट, गुड कट, फेयर एंड पुअर. आप देख सकते हैं ब्लैकनेस कितनी बढ़ रही है, लाइट रिटर्न कितना खराब होता जा रहा है. जितना लाइट रिटर्न खराब होता जाएगा ग्रेड उतना गिरता जाएगा. मान लेते हैं जो ये एक्सीलेंट कट का पीस है ये भी डी कलर का है, और जो ये पुअर कट का पीस है ये भी डी कलर का है, और ये भी वीबीएस वन है, ये भी वीबीएस वन है. अब होता क्या है, टू सेव फ्यू मनी, मैं 100 में से 30 रुपए 35 रुपए बचाने के चक्कर में हम लोग गुड कट, फेयर, पुअर कट की खरीद लेते. फिर हम कहते हैं डायमंड लेने के बाद मजा नहीं आया, हमें हीरा छोटा खरीद लेना चाहिए, हल्का सा कलर पे कॉम्प्रोमाइज कर लो. वीबीएस के बदले VS2 तक चले जाओ, ऐसे वन तक चले जाओ. कट अवॉइड नहीं करना चाहिए, वेरी गुड से नीचे कट नहीं लेना चाहिए अपने स्टॉक के लिए. बिकॉज व्हेन वी सेल इट टू अ कस्टमर, हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रोडक्ट तभी बिकता है कस्टमर को जब पे विश्वास होता है. तो आप ये सोचो, आपका डायमंड बिक रहा है, आपका विश्वास बिक रहा है, तो कल को आपका डायमंड कहीं चेक होता है, वहां पे कट की प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, तो क्या होगा? वो ये बोलेंगे सो एंड सो दुकानदार ने मेरे को अच्छा हीरा नहीं दिया. वो ये नहीं जानते उन्होंने सस्ता खरीदा तभी उनको ऐसा. तो अब कट को मैं 3 स्टेप्स में समझाऊंगा. तो फर्स्ट सेट स्टेप इज पैटर्न. पैटर्न में क्या होता है, हम इसमें देखते हैं डार्क एरिया का पैटर्न कैसा है. जैसे इसके अंदर खाली 20% से भी नीचे दिख रहा है, डार्क एरिया जो है पूरे पीस के साथ 20% से भी नीचे है. तो ऐसे पीस जो फेस अप आप देख रहे हैं जिनमें 20% से कम डार्कनेस आए तो वो एक्सीलेंट की तरफ जाते हैं. ऐसे पीस जिसमें डार्कनेस 50-60% आ जाए वो गुड की तरफ जाते हैं, और जैसे पीस जब 75-85% की तरफ आ जाए फेयर या पुअर की तरफ जाते हैं. यहाँ पे फेयर लिखा है, पुअर भी ऐड कीजिए इसमें, पुअर की तरफ भी जाते हैं. अब स्टेप टू, वैसे तो पहले वाला मेथड भी जीआई मेथड है, ये भी एक जीआई मेथड है. स्टेप टू ये है कि हम डायमंड का ईच एंड एवरीथिंग मेजर करके उसका ग्रेड दें, टेबल परसेंटेज, क्राउन एंगल, पवेलियन डेप्थ, गर्डल थिकनेस, टोटल डेप्थ, हर चीज का ग्रेड दें. जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एजीडी से. एजीडी का ग्रेड नहीं होता, एजीडी हेल्प करता है ग्रेड सेट करने में. कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ. एक चीज आपको अलग से मैं क्लियरली समझा देता हूँ. एजीडी, एजीडी का मतलब होता है एवरेज गर्डल डायमीटर. तो हम लोग क्या करते हैं, गर्डल को मेजर करते हैं 1 mm गेज से. तो वी मेजर इट फ्रॉम 6 डायरेक्शन. जैसे एक डायरेक्शन ये हो गई स्ट्रेट, यहां से लेके यहां तक, नेक्स्ट डायरेक्शन यहां से यहां तक हो गई, करते करते 6 डायरेक्शन से मेजर करेंगे. जो भी हमारी मेजरमेंट्स हैं उनमें जो मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर हो उनको हम ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज गर्डल डायमीटर आ जाएगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. कॉपी पेन अभी मत यूज कीजिए, सुनिए फिर लिखिएगा. एजीडी लेने के लिए हम गर्डल के डायमीटर को मेजर कर, 1 mm गेज आता है उससे मेजर कहा जाता है, प्रेसिडियम का भी आता है और लोकल कंपनीज का भी आता है. आप 6 डायरेक्शन से मेजर करेंगे, आपको 6 अलग अलग मेजरमेंट्स आएंगे. उसमें मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर जो आएगा वो आप ले लीजिए, उनको ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से, तो एवरेज गर्डल डायमीटर आएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने कुछ 6 डायरेक्शन से मेजर करा, फॉर एग्जाम्पल 3.22 mm,
3.20 mm, 3.26 mm, 3.28 mm, 3.20 mm, 3.24 mm, ये सिक्स डायरेक्शन हो गए। अब इसमें मिनिमम क्या है 3.20, मैक्सिमम क्या है 3.28। अब ये दोनों ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट एवरेज गर्डल डायमीटर 3.20 प्लस 3.28 ब्रैकेट में करके डिवाइडेड बाय 2, 3.24 इज योर एवरेज गर्डल डायमीटर। एवरेज गर्डल डायमीटर इज इक्विवेलेंट टू 100%। अब हमें टेबल परसेंटेज निकालनी है, टोटल परसेंटेज निकालनी है, तो एवरेज गर्डल डायमीटर की बेसिस पे निकलेगी। आपने सुना होगा टेबल 55% है, किसकी 55? एवरेज गर्डल डायमीटर की। टोटल डेप परसेंटेज 70% है, किसका 70%? एवरेज गर्डल डायमीटर का 70%। तो अब क्या है, हम टोटल डेप परसेंटेज के हिसाब से समझ लेते। अब मैंने क्या करा, टेबल टू क्यूलेट इसको एमएम की नपाई करी, ठीक है, मान लेते हैं 2.5 mm आ गया। हमने अभी भी एवरेज गर्डल डायमीटर 3.24 निकाला था, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय एवरेज गर्डल डायमीटर इनटू 100 इज इक्वल टू टोटल डेप्थ परसेंटेज। इट इज समथिंग, अगर आपके 10 out of 10 आए स्कूल में तो 100% होते हैं, 7 out of 10 आए तो 70% होते हैं। तो 70% बना कैसे, क्योंकि उसके बाद टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंगली बना, क्योंकि टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 100%। तो 7 अगर देखा जाए, अगर 10 नंबर आपके 100% के इक्वलेंट है तो 7 इज इक्वल टू 70%। कैसे निकला, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ऐसे यहाँ पे टोटल डेप्थ, जो भी हमारी टोटल डेप्थ आई दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय एवरेज गर्डल डायमीटर दैट इज 3.24 इनटू 100 इज इक्वल टोटल डेप्थ परसेंटेज, तो दैट कम्स आउट टू बी 77%। अब मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, जब भी टोटल डेप परसेंटेज 55% से कम हो और 65% से ज्यादा हो, कभी मत खरीदना ही। आपको और कुछ कट में देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ही आपका कट फेल हो जाता है, यहीं पर ही आपका कट जो है वीक कैटेगरी की तरफ चले जाता है, लाइट लीकेज काफी होती है, ठीक है। तो अब टोटल डेप परसेंटेज का एक चार्ट है, तो टोटल डेप परसेंटेज एक्सलेंट तब आएगी जब टोटल डेप परसेंटेज 57.5 से 63 के बीच में, वेरी गुड तब आएगी जब 63 टू 64 के बीच में होगी, गुड आएगी 64.6 से लेके 66.5 तक, फिर आएगी 66.6 से लेके 70.9 तक, पुअर तब आएगी जब 70.9 से ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल डेप परसेंटेज क्या है 77%, तो हमारी टोटल डेप परसेंटेज क्या होगी, पुअर। हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक कैटेगरी भी हमारी वीक हो जाती है तो पूरा कट ग्रेड खराब हो जाता है, कि वो कैटेगरी वीक है तो लाइट वहां से लीक कर जाएगी, बाकी सब ठीक करने से हमें क्या मतलब है। अब मेरी बात समझ रहे, तो ऐसे टोटल डेप परसेंटेज को हमने ग्रेड दिया है, वैसे टोटल डेप परसेंटेज की तरह ही टेबल परसेंटेज का एक सिस्टम होता है, स्टार फैसेट लेंथ का होता है, क्राउन एंगल का होता है, गर्डल थिकनेस का होता है, इन सबका एक ग्रेड होता है। मान लेते हैं इसके बाद हम लोगों ने सबको ग्रेड दे दिया, एवरेज गर्डल डायमीटर आ गई एक्सीलेंट, टोटल डेप परसेंटेज एक्सीलेंट। मान लेते एक अलग एग्जांपल ले रहे, जैसे पिछले वाले में टोटल डेप परसेंटेज हमारी पुअर थी, ये नया एग्जांपल है, ये मैं पहले बता, एवरेज गर्डल डायमीटर एक्सीलेंट है, टोटल डेप परसेंटेज एक्सीलेंट है, टेबल परसेंटेज एक्सीलेंट है, स्टार फैसेट लेंथ एक्सीलेंट है, क्राउन एंगल एक्सीलेंट, गर्डल थिकनेस एक्सीलेंट, नहीं क्राउन एंगल फेयर है, माफी चाहूंगा, क्राउन एंगल फेयर है, गर्डल थिकनेस एक्सलेंट है, गर्डल परसेंटेज एक्सलेंट है, क्राउन हाइट परसेंटेज एक्सलेंट, एवरीथिंग इज एक्सलेंट एक्सेप्ट क्राउन एंगल। अगर कोई एक चीज भी वीक हो जाए, पूरा कट ग्रेड वीक हो जाएगा। अब सबसे छोटा कट ग्रेड कौन सा है यहाँ पर, फेयर, क्राउन एंगल फेयर है। तो स्टेप टू के हिसाब से हमारा कट ग्रेड क्या है, फेयर, क्या है, फेयर। अब करते हैं स्टेप थ्री की बात, स्टेप थ्री होता है चार्ट ग्रेड। चार्ट ग्रेड क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे को बताया गया कि टेबल जो है 52% से लेके 62% तक एक्सलेंट, 31.5 डिग्री से लेके 36.5 डिग्री तक क्राउन एक्सलेंट है, क्राउन एंगल 40.6 डिग्री से लेके 41.8 डिग्री तक पवेलियन एंगल एक्सलेंट है। अब मान लेते हैं कोई एक पीस है जिसमें 36.5 डिग्री आपका क्राउन एंगल है, 62% आपका टेबल है और 41.8% आपका पवेलियन एंगल है, हो सकता है चार्ट ग्रेड में वो एक्सीलेंट ना हो, चार्ट ग्रेड में वो वेरी गुड आ रहा हो, क्योंकि तीनों चीजें एज में आ गई। जब ये एज की तरफ ग्रेड चले जाते हैं, एक्सीलेंट के एज है 52 और 62 टेबल के लिए,
31.5 डिग्री टू 36.5 डिग्री क्राउन के लिए, पवेलियन के लिए 40.6 डिग्री से लेके 41.8 डिग्री पवेलियन के लिए। जब ये एच पे चले जाते हैं तो बेसिकली वहां पर ग्रेड चेंज होने की संभावना चार्ट ग्रेड में होती है, तो चार्ट ग्रेड में भी ग्रेड हमारा आना क्या आ रहा है ये देखना जरूरी है। जब चार्ट ग्रेड भी हम चेक कर लेते हैं कि उसके हिसाब से हमारा एक्सलेंट आ रहा है, वेरी गुड आ रहा है, तो हम तीनों स्टेप को कंपेयर करते हैं, स्टेप वन में क्या ग्रेड है, स्टेप टू में क्या ग्रेड है, स्टेप थ्री में क्या ग्रेड है। फाइनल कट ग्रेड तभी दिया जाता है जब तीनों ग्रेड हम लोग चेक कर लें, और अगर तीनों एक्सलेंट है तो फाइनल कट ग्रेड क्या है, एक्सलेंट। मान लो इन तीनों में से एक वेरी गुड होता तुम्हारा फाइनल कट ग्रेड वेरी गुड हो जाता, मान लो इनमें से कोई पुअर होता तो फाइनल कट ग्रेड पुअर हो जाता। इन तीनों का एना एक्सलेंट बहुत इंपॉर्टेंट, तब जाके कट ग्रेड एक्सलेंट होता है। देखिए कट के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, तो कट इंपॉर्टेंट चीज होगी कि नहीं होगी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा, मेरे पास सुबह के टाइम क्लासेस में होता हूँ, जब मैं फ्री हूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, एंड व्हाट्सएप ओनली कॉल्स के लिए प्लीज मैं माफी चाहूंगा अभी से, ठीक है। तो एक्सलेंट कट के पीसेस बहुत कम अवेलेबल है, वेरी गुड के थोड़े और क्वांटिटी में, गुड फेयर पोर बहुत ज्यादा मार्केट मिलते हैं, तो इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा लो भी मिल जाते हैं एज कंपेरेटिवली टू एक्सलेंट। प्राइसिंग की बात हम तब करेंगे जब हम प्राइस सिखाएंगे आपको, अभी कुछ क्लासेस के बाद आपको प्राइस भी सिखाया जाएगा कि प्राइस कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कैसे डिस्काउंट में हम लोग चेक करेंगे कब ज्यादा होना चाहिए कब कम होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग हमारे को विजिट करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट इन दिल्ली कैंपस इन सूरत प्लेस। दिल्ली में हमारा जो एड्रेस है 2021 हरिजनक पैलेस करोलबाग बैंक स्ट्रीट पे है, एंड जस्ट नेक्स्ट टू काकासन ज्वेलर्स, एंड सूरत में ऑफिस नंबर 14 शाश्वत बिल्डिंग पीपला शेरी मैदरपुरा सूरत में हमारा एड्रेस है। तो प्लीज जस्ट कॉल अस बिफोर कमिंग सो दैट वी कैन शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर यू, और आपको वेटिंग एरिया में वेट ना करना पड़े। और ये हमारे नंबर्स है फ्रंट ऑफिस के, एडमिन डिपार्टमेंट के, एजुकेशन चार्ज के, ये वाला नंबर मेरा भी है, मैं ये वाला कभी कभार उठा लेता हूँ, 100% तो मेरे पास ये नंबर नहीं रहता, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी आप हमारे रिव्यूज दे सकते हैं, वी हैव गॉट सच ग्रेट रिव्यूज थैंक्स टू ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड देयर ब्लेसिंग्स। सो आपको हम लोग अपना इंस्टीट्यूट की कुछ पिक्चर दिखाना चाहेंगे जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे बच्चे काम कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे, पतले जाड़े का काम पूरा प्रैक्टिकल, कलर स्टोन्स के अंदर भी पूरा प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। बाकी अगर आप नेक्स्ट क्लास लेना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गाइस बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम और वीडियोस डालेंगे, और अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे वो भी सब्सक्राइब करेंगे हमें और अच्छा लगेगा और वीडियोस डालेंगे। तो गाइज प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।